नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। पिथौरागढ़ जनपद सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में आज पिथौरागढ़ के तेजम तहसील क्षेत्र में आज जिलाधिकारी रीना जोशी ने आपदा के तहत हुए विभिन्न कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सुरक्षात्मक कार्य, तटबंध, पुलिया सहित अन्य कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने सिमगढ़ महबूजगढ़ नदी पर सिंचाई विभाग द्वारा 12 लाख से किए गए तटबंध निर्माण और उसी से सटे स्थान पर अन्य विभाग द्वारा भी तटबंध निर्माण पर आपत्ति जताई और एसडीएम दिवेश शास्त्री को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही दुलियाबगड़ में सिंचाई विभाग द्वारा तटबंध के निरीक्षण के दौरान कार्यों की गुणवत्ता पर नाराजगी प्रकट की। इस दौरान बांसबगड़ के तोक, गादरपानी और खेत भराड़ के ग्रामीणों द्वारा नाले के पानी से आपदा की चेत में आए मकानों की सुरक्षा को लेकर सुरक्षात्मक कार्य कराए जाने की मांग की गई, जिस पर जिलाधिकारी ने उचित कार्रवाई का दिलाया। इस दौरान बांसबगड़ हेलीपैड निर्माण कार्य सही न कराए जाने पर एक ग्रामीण प्रदीप जोशी द्वारा की गई शिकायत पर जिलाधिकारी ने जांच कराने के बात कही। निरीक्षण के दौरान नाचनी में कूड़ा नदियों पर मिलने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सीडीओ को स्थलीय निरीक्षण कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस मौके पर कई विभागीय अधिकारी मौजूद थे। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में बीते अगस्त माह में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लिए गए पान मसाले का नमूना फेल होने पर कंपनी और थोक विक्रेता पर 47,000 का जुर्माना लगाया गया है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी आर के शर्मा ने बताया कि वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन द्वारा बीते अगस्त माह में महात्मा गांधी मार्ग स्थित एक जनरल स्टोर में संदेह होने पर फ्लेवर्ड पान मसाले का सैंपल लिया गया और जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। प्रयोगशाला में नमूना फेल होने पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पिथौरागढ़ के थोक विक्रेता और दिल्ली के पटपड़गंज की कंपनी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद कंपनी पर 35,000 व थोक विक्रेता पर 12,000 का जुर्माना लगाया गया है। इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सिनेमा लाइन व रोडवेज बस स्टेशन के निकट मटन की दुकान में गंदगी और खुले में मांस बेचने तथा खाद्य पंजीकरण की शर्तों का उल्लंघन करने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बढ़ती महंगाई, बिजली पानी की दरों में वृद्धि किए जाने से गुस्साए कांग्रेसियों ने आज नगर अध्यक्ष भूपेन जोशी की अगुवाई में गांधी चौक में भाजपा सरकार का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। इससे पूर्व हुई सभा में वक्ताओं ने सरकार पर आम आदमी की उपेक्षा के आरोप लगाए। पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र सिंह लूठे ने कहा कि भाजपा कार्यकाल में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी से आम आदमी का जीना दूभर हो गया है और सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार से इन मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। मांग पर गौर न करने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। पुतला दहन करने वालों में पूर्व जिलाध्यक्ष त्रिलोक मेहर, मोहनलाल चौधरी, भूरे मियाँ, चंद्रशेखर मखौलिया, जितेंद्र जोशी, राहुल लुंठी, अरविंद सक्सेना, रोहित कुमार, ऋषि खत्री सहित दर्जनों कांग्रेसी शामिल थे। जो प्रदेश की भाजपा सरकार है ये तानाशाही हो चुकी है। आपने देखा होगा, पहले इन्होंने शराब सस्ती की, उसके बाद जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं किताबें महंगी की, आज परसों आपने देखा होगा बिजली की दरें बढ़ा दी इन्होंने, आज पानी की दरें बढ़ाई है। ये सरकार जन विरोधी सरकार है, जनता विरोधी सरकार है। इन्होंने जो सरकार बनने से पहले वादे किए थे, एक भी वादे पूरे नहीं कर रही है। पिथौरागढ़ के नारायणगढ़ महाविद्यालय में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत स्वच्छता पखवाड़े का समापन हो गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा ने स्वच्छता पखवाड़े के दौरान आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के अव्वल स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान छासंघ अध्यक्ष अजय अवस्थी ने महाविद्यालय की विभिन्न समस्याओं, हाईटेक शौचालय, पुस्तकें सहित अन्य के समाधान को लेकर एक पत्र जिला पंचायत अध्यक्ष को सौंपा, जिस पर उचित कार्रवाई का भरोसा पंचायत अध्यक्ष द्वारा दिया गया। कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य डॉक्टर गिरीश पंत द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि कर्नल भूपेंद्र धामी, माला सौन, धीरज जिमीवाल, डॉक्टर सुरजीत तिवारी, डॉक्टर दिनेश कुमार, डॉक्टर अलंकृता सिंह, डॉक्टर मीना कुमारी सहित कई प्राध्यापक व छात्राएं मौजूद थे। पिथौरागढ़ के थल में आगामी 13 से 15 अप्रैल तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय मेले की तैयारियों को लेकर थानाध्यक्ष योगेश कुमार द्वारा मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों और व्यापार मंडल पदाधिकारी तथा स्थानीय व्यापारियों के साथ बैठक कर आयोजन और व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा करते हुए शांति एवं कानून तथा यातायात व्यवस्था में प्रशासन के सहयोग की अपील की है। मेले के दौरान अराजक तत्वों, शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले पर पुलिस द्वारा नजर रखने और सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई। सीमांत जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री करने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत आज जीओजीबी थानाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा एक ढाबे में छापेमारी कर ढाबा संचालक हयात सिंह निवासी बंगापानी को लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाने पर गिरफ्तार किया गया।
टीम में कांस्टेबल महेश बोरा और अशोक कुमार शामिल थे। इधर पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने अभियान लगातार जारी रखने की बात कही है। नैनीताल SSP पंकज भट्ट के आदेश अनुसार वारंटी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत लाल कुआं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक DR वर्मा के नेतृत्व में महिला उप निरीक्षक गुरविंदर कौर, कांस्टेबल कमल बिष्ट और राजेश कुमार द्वारा न्यायालय से जारी वारंट के अनुपालन में 6 व्यक्तियों लीलाधर जोशी, नागेश जोशी, बसंत जोशी और उप निरीक्षक सोमेंद्र सिंह व कांस्टेबल मनीष कुमार द्वारा हरेंद्र सिंह तथा हीरानगर चौकी प्रभारी धर्मेंद्र कुमार, उप निरीक्षक बबीता द्वारा किरण जोशी और दिनेश चंद्र को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम को लेकर नैनीताल SSP पंकज भट्ट के आदेश अनुसार पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 2 स्मैक तस्करों को बड़ी मात्रा में स्मैक तस्करी करने पर गिरफ्तार किया है। नैनीताल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थानाध्यक्ष कालाढूंगी नंदन सिंह रावत के नेतृत्व में चेकिंग के दौरान बाजपुर कालाढूंगी रोड में बोरपुल के निकट एक व्यक्ति यश कुमार निवासी कालाढूंगी उम्र 31 वर्ष को 5.70 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोप के खिलाफ धारा 821 NDPS एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस टीम में उप निरीक्षक रमेश पंत, कांस्टेबल अतीक अहमद और रणजीत सिंह शामिल थे। इधर हल्द्वानी के राजपुरा चौकी क्षेत्र में स्मैक तस्करी व चोरी की धाराओं में कई बार जेल जाकर जमानत पर रिहा हुए आरोपी को फिर से पुलिस ने 10.10 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। अल्लवानी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हरिंद चौधरी के नेतृत्व में राजपुरा चौकी प्रभारी दिनेश चंद्र और पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान राजपुरा क्षेत्र से एक आरोपी को 10.10 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार कर 821 NDPS एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी स्मैक तस्करी व चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल ललित कुमार व कांस्टेबल सतवीर सिंह शामिल थे। गंभीर रूप से चोटिल हुए बुजुर्ग को पुलिस कर्मियों ने अस्पताल पहुंचाकर मानवता का परिचय देते हुए बुजुर्ग की जान बचा ली। आज खैरना चौकी में 112 के माध्यम से खैरना के एक मंदिर के निकट एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल होने की सूचना प्राप्त हुई। बताया गया कि बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हैं और बोल नहीं पा रहे हैं। सूचना पर खैरना चौकी प्रभारी उप निरीक्षक दिलीश कुमार व कांस्टेबल जगदीश धामी ने स्थल पर पहुंचकर गंभीर घायल हुए बुजुर्ग को स्थानीय लोगों की मदद से गर्म पानी अस्पताल में भर्ती करवाया। बुजुर्ग बोल नहीं पा रहे थे। उनके पास मिली एक जन्म कुंडली के आधार पर बुजुर्ग का नाम अम्बादा जोशी निवासी चापड़ अल्मोड़ा उम्र 54 वर्ष हाल हल्द्वानी पता चला। पुलिस ने बहुमुश्किल परिजनों से संपर्क कर उन्हें अस्पताल बुलाकर बुजुर्ग को उनके सुपुर्द किया गया। परिजनों ने बताया कि बीते दिनों से बुजुर्ग गुमशुदा थे, उनकी खोजबीन की जा रही थी। बुजुर्ग के सकुशल मिलने पर परिजनों ने नैनीताल पुलिस का आभार व्यक्त किया। पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। CBSE व UK बोर्ड तथा समस्त पब्लिक स्कूल की पुस्तकें, रिफ्रेशर, NCERT कॉपी, स्टेशनरी, स्कूल बैग थोक रेट में प्राप्त करें। शहर का एकमात्र थोक प्रतिष्ठान मनोज जर्नल स्टोर, पुस्तक विक्रेता, खड़ी गली टकाना रोड, पिथौरागढ़। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ YouTube चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।